नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एलरेट टैबलेट के बारे में। दोस्तों, एलरेट वैक्सन कंपनी के द्वारा बनाई गई बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इफ़ेक्टिव दवा है एलर्जी के लिए। दोस्तों, अगर आपको एलर्जी की समस्या है, एलर्जिक रेनाइटिस की समस्या है, आपको जल्दी जल्दी जुकाम होता रहता है, जुकाम के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, आपकी नाक बहती रहती है, तो उसको ठीक करने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन एलरेट टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे डिटेल से और भी किन किन समस्याओं में आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे पहले बात करते हैं इसकी एमआरपी के बारे में, कितनी इस पर एमआरपी आती है। तो मात्र 200 रुपये में आपको ये किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल पर मिल जाएगी। अगर बात करें डिटेल से कौन कौन सी समस्याओं में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका पहला यूज़ होता है रनी नोज के लिए। अगर आपकी नाक बहती रहती है तो उसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको स्नीजिंग की समस्या रहती है, छींकें आती रहती हैं, तो उसको भी ठीक करने का काम ये मेडिसिन करती है। दोस्तों, जो इसका अगला यूज़ होता है वो बाटरी आइस के लिए होता है। जुकाम के साथ साथ आपकी नाक बहती है, नाक से पानी आता है, आँखों से भी पानी आता है, या आपको बॉडी एक की समस्या रहती है, आपके सारे शरीर में दर्द बना हुआ रहता है, तो उसको ठीक करने के लिए आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन एलरेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। या किसी को साइनोसाइटिस की समस्या है, साइनोसाइटिस के केस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपको जुकाम धूल से आपको हो जाता हो, या किसी डस्ट पार्टिकल से आपको हो जाता हो, परफ्यूम वगैरह से आपको जुकाम हो जाता हो, जब घर में खाना बनता है उसको छौंका जाता है, उससे आपको जुकाम हो जाता हो, तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने का काम एलरेट मेडिसिन करती है। अगर बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में, कौन कौन सी दवाओं से मिलकर ये मेडिसिन बनी होती है, तो इसमें पहली जो मेडिसिन होती है वो फेरमफॉस होती है, उससे अगली नेट्रम्योर होती है, काली सल्फ होती है, काली म्योर होती है, बैप्टीसिया होती है, ब्रैनिया एल्बा होती है, कॉस्टिकम होती है, यूकेलिप्टस होती है, जेलसेमियम होती है, सेबोडेला होती है, और इपोटोरियम पर्फ जैसी अच्छी और इफ़ेक्टिव दवाओं से मिलकर ये मेडिसिन बनी होती है। दोस्तों, आप में से अगर किसी को एलर्जिक रेनाइटिस की समस्या है, तो उसको ठीक करने के लिए आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जुकाम को ठीक करने के लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइनोसाइटिस के केस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसकी डोज के बारे में, किस प्रकार आपको इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, तो एक एक गोली सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन में 4 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें इसकी डोज चिल्ड्रन में, तो एक एक गोली सुबह, शाम, दिन में 2 बार आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल बच्चों में कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी जो डोज है वो डिपेंड करता है कि आपकी जो परेशानी है वह नई है या पुरानी। एक्यूट केस, अगर आपका रोग नया है, तो एक एक गोली दिन में 4 बार लीजिए। अगर आपका जो केस है वो पुराना है, पुरानी आपको समस्या हो गई, तो एक एक गोली सुबह और शाम, दिन में 2 बार ले सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो इस मेडिसिन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और जो इस पर एक्सपायरी डेट आती है वो 5 साल की आती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।